फार्मा वॉरियर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न रेलवे पर जो पैरामेडिकल का रिक्वायरमेंट निकला है, जिसमें फार्मासिस्ट का भी वैकेंसी है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर कंटिन्यू कीजिए पूरा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए हम लोग सर्च कर लिया है www.anr.indianrailway.government.in। उसके बाद यहां से आप देख पा रहे हैं न्यूज़ से रिक्वायरमेंट इन्फो। रिक्वायरमेंट इन्फो के बाद यहां पर शो कर रहा है इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसीज एग्जिस्टिंग इन पैरामेडिकल कैटेगरीज ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। 25 तारीख को इसका लास्ट डेट है। इसमें वॉकिंग इंटरव्यू है। तो चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है उसका जो टोटल सैलरी है 45,091 है, जिसका एज लिमिट है 20 से 35 तक। क्वालिफिकेशन है 12 पास करना पड़ेगा, उसके साथ साथ साइंस में, उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी लगेगा, रजिस्टर्ड फार्मेसी होना पड़ेगा इंडिया और स्टेट फार्मेसी काउंसिल का अंदर। वैकेंसी है टोटल 1 पोस्ट की। इसमें और भी वैकेंसी है, रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, उसके साथ साथ आपको लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ का जो लास्ट जो टीनेजर है वो 30 जून तक इसको यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जहाँ पर फिर से बोला गया है 30 जून तक यहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट बेसिस से लिया जा रहा है, यहाँ का जो इसका पोस्ट जो है वो कॉन्टैक्ट है, इसलिए आप यहाँ पर कन्फर्म के लिए क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर और भी बोला गया ऑल द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पर पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा, उसके डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसा सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। उसके साथ साथ आपको 2 कॉपी फोटो कॉपी आपको कैरी करना पड़ेगा उसके साथ। और यहाँ पर बोला गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व द राइट डिपोर्टी ऑफ द कैंडिडेट एनी वेयर ऑन द डिवीजन, आपको डिवीजन का कोई भी सेक्टर पर आपको ट्रांसफर कर सकता है। और यहाँ पर इस टर्म्स एंड कंडीशन को और भी डिटेल्स में देखने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, नॉर्दर्न रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर और भी नोट करके दिया हुआ है जो एप्लीकेशन शुड बी सेंट ड्यूली फिल्ड अप द साइंड स्कैन कॉपी देयर एप्लीकेशन एज पर इनक्लोज फॉर्मेट एनेक्सर ए। एनेक्सर ए जो है उसके साथ आपको अटैच करके भेज देना पड़ेगा ईमेल में। ईमेल है personaldepartment@gmail.com। यहाँ पर आपको उसके साथ एक PDF बनाना पड़ेगा, आपका जो सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है, जो जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट है और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, सारा इसमें अटैच करके 1 PDF करके आपको इस मेल पे भेजना है। आपको लास्ट डेट है 11 नवंबर के अंदर आपको इस मेल को करना है। उसके बाद आपको जो 25 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा तो उसको डिटेल्स हम देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया है जो जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिंगल फाइल में ही देना है। और यहाँ पर लास्ट डेट है 11 नवंबर को फिर से मेंशन किया है। एज जो है एज 11 तारीख काउंट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर SC का जो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC का जो 3 ईयर्स का वो यहाँ पर मिलेगा आपको, जो गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन होता है। और आप यहाँ अभी जिस कंपनी में काम करते हो उसका NOC लेना पड़ेगा, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिस आपका प्रेजेंट कंपनी से। इस यहाँ पर बोला गया है आपको 25 तारीख को वॉकिंग इंटरव्यू होगा सीनियर DPO नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद में। सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके वहाँ पर रिपोर्ट करना है, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आपको सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट शूड ऑल्सो ब्रिंग 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ along with them and उसके साथ साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर देंगे उसका एक भी आपका फोटोकॉपी भी लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। और भी यहाँ पर बोला गया है कि आप जिस दिन इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उसका एक दिन का और भी ज़रूरत हो सकता है इंटरव्यू प्रोसेस होने में, तो आप उसका भी इंतजाम करके जाइए। अब बात कर लेंगे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बी अलोंग विद देम द फॉर्म। आपको जो फॉर्म फिलअप करना है उसके साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट्स देना है, हायर सेकेंडरी का डॉक्यूमेंट्स देना है, इंटर्नशिप कहाँ पर किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, सपोर्टिव कोई SC ST कास्ट का डॉक्यूमेंट्स है उसको देना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को देना है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देना है और अदर्स कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है तो उसको देना है। उसके साथ साथ इस जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद ये जो NHZ का फॉर्म है, इस NHZ के फॉर्म के साथ आपको सारा फॉर्म को अटैच करके एक PDF बना के आपको मेल करना है और ई फॉर्म को आपको ले जाना है 25 को वॉकिंग इंटरव्यू पर। आशा करते हैं आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन देने में
और नोटिफिकेशन का डिटेल्स अच्छे तरीके से समझने में सफल हुआ हो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ, इस नोटिफिकेशन डिटेल्स डायरेक्टली पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जिसका टेलीग्राम ग्रुप नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड ऑफ द कंटिन्यू करने के लिए। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मायर्स। फार्मायर्स के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।